हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फोट्यूब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं किसी को भी बिना उसका नंबर सेव किए। तो फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि आप लोगों को किसी को व्हाट्सएप करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, लेकिन आप चाहते हैं उसका नंबर आपको मोबाइल में सेव ना हो, बस आपको थोड़ा देर के लिए काम होता है ना। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है अपने मोबाइल में उसका नंबर सेव करना पड़ता है। बेसिकली आज के इस वीडियो में आपको इसी का सोल्यूशन लेकर के आ गया हूँ। आपको जो है किसी का भी नंबर सेट नहीं करना पड़ेगा अपने फ़ोन के अंदर, बस आपको डायरेक्ट आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज जो है उसको मैसेज कर सकते हैं बिना उसका नंबर सेव किए। तो फिर अगर आप भी जानना चाहते हैं ना बिना उसका नंबर सेव किए कैसे हम उसको मैसेज कर सकते हैं, तो फिर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं किसी को भी मैसेज करना बिना उसका नंबर सेव किए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को खोल लेना है। व्हाट्सएप खोलने के बाद ऊपर के साइड में आपको जो थ्री लाइन देखने को मिल रहा है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको सेटिंग वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब सेटिंग के अंदर जो है आपको यहाँ पे सेकंड नंबर चैट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको चैट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा चैट बैकअप, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर बैकअप वाला बटन पर क्लिक करके आपको अपने चैट का जो है बैकअप ले लेना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, बैकअप लेने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, बैकअप लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ले जा करके आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है अपने व्हाट्सएप को। यहाँ पे क्लिक करके आपको अनइंस्टॉल कर देना है। व्हाट्सएप को डिलीट करने के बाद आपको एक नया व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, जो कि आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ये वाला आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेना है, इसका नाम है FM व्हाट्सएप। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो है आपको अपना नंबर वेरीफाई करके और जो है बैकअप अपलोड करके यहाँ पे जो है इसको ओपन कर लेना है, जिससे जो है आपका पुराना व्हाट्सएप का सभी मैसेज भी आ जाएगा और हर कुछ डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जो है ऊपर के साइड में थ्री लाइन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे के साइड में यहाँ पे एक बटन देखने को मिलेगा मैसेज एज ए नंबर। ठीक है, मैसेज ए नंबर, ये वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दो बटन देखने को मिल जाएगा, प्लस है कंट्री कोड और सेकेंड है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो कंट्री कोड में आपको क्या डालना है, जैसे कि हम इंडिया से, तो इंडिया का कोड है +91, पाकिस्तान का कोड है +92, USA का है +1, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से आपको यहाँ पे इंडिया का अगर आप है तो +91 डाल दीजिए। आपको सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है उसका, जो भी बंदा से जो आप चैट करना चाहते हैं बिना उसका नंबर सेव किया उस बंदे को यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। चलिए यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन चैट वाला बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट उसका चैट खुल गया। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आपको जिससे भी बात करना है ना, डायरेक्ट उसका बिना नंबर उसका सेव किए डायरेक्ट आप इस व्हाट्सएप की मदद से वन क्लिक में कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे जाना है, मैसेज नंबर पे जाना है, कंट्री कोड उसका मोबाइल नंबर डालना है, ओपन चैट वाला बटन पे क्लिक कर देना है, बस आपका काम हो जाएगा। फिर उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।